हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं आज फिर एक प्रोडक्ट लेंगे, उसका नाम है DD50। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसे एक बार आप लोग दबा लीजिएगा ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और वहीं पे एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप लोग दबा लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। और इसी तरह के रोज़ मेरे दोस्तों नए नए एक वीडियो आता रहता है जो कि हेल्थ से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो उसकी जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब जरूर ही जरूर कर लेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इस मेडिसिन के बारे में, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। यह दोस्तों DD50 इंजेक्शन है, जो कि यह गल्फा कंपनी का आता है। यहाँ पे देख सकते हैं लोगो लगा हुआ है। और इसकी MRP की अगर हम लोग बात करें तो इसका MRP है 263, यानी 263 रुपया इसका दाम है, जो कि यह दोस्तों ये जेनेरिक दवा है, ठीक है। आपको ये मार्केट में सभी जगह अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। यह दोस्तों कई नामों से आता है, जिसमें कि आप देखते होंगे ढेगा डोडा बुलिन भी आता है, जो कि वो ओरिजिनल है, ठीक है। और ये जेनरिक आता है, जेनरिक और इथिकल और प्योरेंटा। मेडिसिन तीन प्रकार के होता है दोस्तों, एक होता है जेनरिक होता है, एक मेडिसिन होता, एक होता है इथिकल होता है, एक प्योरेंटा होता है, ठीक है। तो यह जो है कि जेनेरिक दवा है, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। जेनेरिक जो भी दवा है वह दोस्तों आपको कम से कम में मिल जाएगी, जो कि मार्केट में भी अवेलेबल रहती है, सब जगह मिल जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं किन चीज़ों में काम करता है। तो यह दोस्तों काम करता है, यह दवा आपकी जैसे कि नसों में किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या तो आपकी रनिंग नहीं बन रही है, ठीक है, तो रनिंग के दौरान आप इसे ले सकते हैं, आपकी अच्छी खासी रनिंग बन जाएगी, जो कि आपको कहीं पे भी अगर डिफेंस में कहीं जाना है, जो कि रनिंग का तैयारी कर रहे हैं आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी खासी रनिंग बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये स्टेमिनार को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और अच्छे स्टेमिनार आपके पास रहेगा तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, जैसे कि शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगा और अच्छे से आपकी रनिंग भी बन सकता है स्टेमिनार रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कि ये वेट को भी मेंटेन करके रखता है, और वेट बढ़ाने में भी आपको ये काम करता है। उसके बाद अगर नस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे कमर में दर्द हो गया हो, घुटना में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, बाँह में दर्द हो, यानी कि बॉडी में किसी प्रकार के कहीं पे भी दर्द वगैरह हो, उसमें भी काम करेगा, जैसे कि वो सब होता है नस की प्रॉब्लम के कारण। तो यह दोस्तों नसों को वो ठीक करता है, जैसे कि जकड़न हो, ममोरन हो, ठीक है, जोरों का दर्द हो, पैरों में झनझनाहट हो, कनकनाहट हो, ठीक है, या इस सब में भी यही दोस्तों काम करता है। उसके बाद दोस्तों यह जो है आपकी सोच में भी ज़्यादा मतलब कि आपको बढ़ाता है, जैसे कि अगर किस चीज़ को सोचते हैं आप अगर भूल जाते हैं, तो उस चीज़ को भी ये मेंटेन करके रखता है, जो कि आपको याद रहेगा, ठीक है। और रनिंग की दोस्तों तो बात ही मत कीजिए, आपकी सोच से भी ज़्यादा इस चीज़ को रनिंग बढ़ा देगा लेने से आपकी रनिंग। लेकिन दोस्तों यह ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करेंगे। और यह दोस्तों जब भी यूज़ करते हैं तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, आपके शरीर में ये 16 से 18 महीने तक ये वर्क करता है। एक इंजेक्शन 16 से 18 महीने तक वर्क करता है। अगर ये आप डिफेंस के लिए जा रहे हैं और ये इंजेक्शन ले चुके हैं और उसके बाद वहाँ जा रहे हैं, तो मेडिकल में हो सकता है कि आप वहाँ पर पकड़े जाए कि इंजेक्शन लिए हैं, क्योंकि यह 16 से 18 महीने तक आपके बॉडी में ये रन करते रहता है। तो इसलिए जब भी लेंगे तो अपना सोच समझ के लेंगे, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसको दोस्तों जब भी लेना है, महीने में हम लोग 2 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, और इसको जब भी लेना है 15 डेज कम से कम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। 15 दिन के बाद ही जब भी लेना होगा तो ले सकते हैं इसका। और इसका दोस्तों साइड इफ़ेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो इसका साइड इफ़ेक्ट तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो भी हो, आपको अगर उस तरह का कुछ भी दिखता है, लगे कि हाँ हमको लेने से ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो आप तुरंत इस अपने आसपास के डॉक्टर से जाकर मिल लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपको बेचैनी बढ़ जाए, इसको लेने से बेचैनी बढ़ जाए, वोमिटिंग हो, पेट में दर्द हो, गैस बन रहा हो, शरीर में दाना हो जाए, इचिंग हो जाए, इस तरह की समस्या हो सकती है। अगर इस तरह की होती है तो आप तुरंत इस मेडिसिन को ले ही चुके हैं, लेकिन इसको अभी आसपास में जो भी डॉक्टर होंगे उनसे जाकर तुरंत मिल लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या तो किन्हीं किसी को दूसरे मेडिसिन के बारे में पूछना होगा, किसी भी मेडिसिन के बारे में, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मेरा देखिएगा नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। या तो किन्हीं को एडवर्टाइजमेंट करवाना होगा, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।